प्रेस वार्ता का आयोजन। प्रेस वार्ता कर चलाया बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। डेंगू को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, प्रदेश समेत अन्य क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा है डेंगू। वार्ड सदस्य ने मुखिया के खिलाफ दिया आवेदन पत्र, आवेदन पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण कर एनएमसीएच के अधीक्षक को किया निलंबित, अधीक्षक पर कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां जाली ई टिकट और फर्जी बोर्डिंग मामले में मुजफ्फरपुर के कुडनी विधानसभा से आरजेडी कोटे के विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसको लेकर बिहार में सियासत गहमागमी तेज हो गई है। वहीं मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के कुडनी विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक व भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि 2020 में जनता ने मुझे मौका दिया था, मगर इन लोगों की मिली भगत से मुझे हराने का काम किया गया है। आज भी जनता त्रस्त है, दो साल में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए जहां आप जाइएगा जनता यही कहेगा केदार गुप्ता को लाइए, केदार गुप्ता को लाइए। जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, जनता का प्यार बोल रही है। हमने जो जनता के बीच रहा हूं, दो साल बीत गया डिफीट खाए हुए मुझे, इसके बावजूद भी मैं लगातार क्षेत्र में बना रहता हूं। किसी भी गरीब गुरबा के घर पर कोई शादी हो, ब्याह हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई कार्यक्रम में मैं जाता रहता हूँ, आता रहता हूँ। विकास का जो संभव होता है हमसे आज भी करता रहता हूँ। क्या चुनाव की तैयारी में आप लोग लग गए हैं? सब लोग लगे हुए हैं, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम तो 360 दिन लगे रहते हैं चुनाव में। खबर भागलपुर से है, जहां पीरपैंती प्रखंड के पीरपैंती ब्लॉक के ट्राइसमन भवन में राजेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में सरपंच एवं उप सरपंच की अहम सुविधाओं की मांगों को लेकर बैठक की गई। वहीं इस बैठक में सरकारी योजनाओं में वित्तीय पावर को लेकर कई मुद्दों पर बात की गई। बता दें, इस मौके पर सरपंच और उप सरपंच रामचंद्र मंडल के साथ कई लोग मौजूद रहे। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज प्रखंड के पंचायत में सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार में अनियमितता का मामला सामने आया, जिसमें पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक द्वारा मनमानी ढंग से सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार के उपयोग में घटिया सामग्री लगाई जा रही है। वहीं शिकायत के बाद वादी के लोक निवारण कार्यालय बुलाया गया और अधिकारियों ने उसे अनुपस्थित करार देते हुए पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक को जाँच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। पहले से सामुदायिक भवन था तो उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसका शिकायत मैंने लोक निवारण पदाधिकारी को किया। तो उसमें उनके द्वारा हमें 30 सितंबर का डेट मिला था, मैं उस डेट को उपस्थित था, टाइम के अनुसार उनके उपस्थिति रजिस्टर में मेरा सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, लेकिन पदाधिकारी उपस्थित नहीं। खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कोटवा संग्रामपुर मधुबनी डीह सामुदायिक भवन के पास एक सफेद कलर का पिकअप, मैजिक गाड़ी और मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात युवकों ने हथियार दिखाकर छीन लिया, जिसके बाद चालक प्रमोद महतो ने पिपरा थाना को आवेदन कर सभी थाने को सूचना दिया और मामले की जाँच शुरू की। एक अच्छा परिणाम कल सामने आया, जिसमें कोटवा संग्रामपुर की सीमा पर मधुबनी डी करके गांव है, जहां पर एक पिकअप को लूटने की बात सामने आई। इसकी सूचना जैसे ही मिली, तत्काल SHO संग्रामपुर, SHO हरसिद्धि सभी लोग एक्टिव हुए और इसको दरियापुर थाना संग्रामपुर में जो है इस पिकअप को बरामद कर लिया गया। सूचना मिली थी कि एक पिकअप को जो है अज्ञात लोगों ने हथियार का भय दिखा करके इसको लूट लिया है, उधर लेके जा रहे हैं। तो सूचना पर लगा तत्काल जो है संग्रामपुर और हरसिद्धि थानाध्यक्ष ने SDP वरराज के नेतृत्व और निर्देशन में वहां पे कार्रवाई करनी शुरू करी और इस पिकअप को तुरंत बरामद कर लिया गया।
खबर नवादा से है, जहां कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन कर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत मशाल और बैनर तले अभियान, गीत गायन व तख्ती पर हस्तलिखित संदेश और शपथ आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। बता दें, इस उद्देश्य देश में ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ बाल विवाह को सिर्फ एक सामाजिक कुरीति के रूप में नहीं देखा जाए बल्कि इसे कानून अपराध माना जाए। या कचहरी का खर्च नहीं उठाने के कारण वो केस दम तोड़ देता है, समझौता हो जाता है, ये सारी जो चीज़ें हो रही थी, नतीजा है कि बुराई रुक नहीं पा रही है। अब इस बुराई के अगेंस्ट में हम लोगों ने भी बीड़ा उठाया है कि किसी भी स्थिति में इस पे अंकुश लगाया जाए और इस लड़ाई को भी हम लोग यहाँ पर नवादा ज़िले में उनके सहयोग से लड़ रहे हैं, जिसमें कि अभी हमारे सहयोग से अभी 3 कन्विक्शन भी यहाँ पर हो चुका है। बाकी चीज़ें और जो है, हम लोग अभी 100 मुकदमे लगभग लड़ रहे हैं, जिसमें कि जो भी विक्टिम के परिवार हैं, पीड़ित पक्ष को 1 रुपया कहीं देना नहीं है, उनके आने जाने का खर्चा भी हम लोग वहन करते हैं। खबर सुपौल से है, जहां जिला के छातापुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीनिया पंचायत के उमाकांत संस्कृत विद्यालय में हेड मास्टर ने पत्रकार के साथ मारपीट की। वहीं सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि पत्रकार अपनी न्यूज कवर करने के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में संस्कृत विद्यालय में देखा कि एक भी बच्चा नहीं है। जब प्रधानाध्यापक से पूछा गया तो प्रधानाध्यापक ने पत्रकार के साथ मारपीट व बदसलूकी की, साथ ही पत्रकार का मोबाइल और कैमरा भी तोड़ दिया, जिसके बाद पत्रकार ने थाने पर जाकर न्याय की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब जीवन में कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और उन्होंने बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अब अटल आडवाणी की नहीं है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पिछली बार महागठबंधन टूटने का कारण भी बताया और उन्होंने कहा कि पिछली बार जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, फिर लालू यादव को फंसाने के लिए साजिश रच रहे हैं। तो आजकल जो लोग हैं वो किसी का सुनते हैं, आ किसी से बात करते हैं, आ किसी राज्य का विकास करते हैं, आ इनके पहले वाले जो लोग थे वो लोग कितना काम करते थे, आपको हमने बता दिया। अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, ये सब काम करते थे, इनके असली नेता वही थे, पहले अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष, तीसरे अध्यक्ष, सब वही थे। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां डेंगू का कहर प्रदेश समेत अन्य क्षेत्रों में फैल रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। वहीं बढ़ते मरीजों को देखते हुए सिविल सर्जन ने नरकटियागंज के अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में समुचित व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। खबर नवादा से है, जहां जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के 5 गमा गांव के मुखिया के खिलाफ वार्ड सदस्यों ने समाहरणालय आकर डीएम को आवेदन देकर कार्यवाही करने की मांग की और उन्होंने बताया कि वर्तमान मुखिया के द्वारा कार्यकारिणी की बैठक बुलाए बिना गलत तरीके से मनमानी करते हुए कचरा प्रबंधन में गलत जगह शमशान घाट की जमीन पर कचरा भवन बनाया जा रहा है और बिना कार्यकारिणी बैठक एवं ग्राम सभा बुलाए मनमाने ढंग से रजिस्टर पर 2-3 आदमी से हस्ताक्षर करा के ग्राम न्याय का चयन कर दिया गया। मामला हम लोग डीएम सर के पास लेके आए हैं कि जब से चुनाव हुई है तब से आज तक ना कोई कार्यकारिणी की बैठक बैठाई गई है और ना कोई आम सभा, ग्राम सभा कुछ भी नहीं बुलाई गई, जो कि और उसके बाद भी पूरी तरह से धांधली रूप से पैसा निकासी किया जा रहा है, गलत ढंग से पैसा निकाला जा रहा है, जहां मन तहां भवन का निर्माण किया जा रहा है, कचरा प्रबंधन से ये सर्वेक्षक का चुनाव करना था।
खबर कैमूर से, जहां जिले के रामगढ़ बक्सर पर स्थित ओडियाडी गांव के पास एक 55 साल की महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और इस घटना के बाद परिजनों व ग्रामीणों द्वारा मुख्य सड़क को तकरीबन घंटे भर जाम कर आवागमन बंद कर दिया। बता दें, घटना की सूचना मिलते स्थानीय पुलिस घटनास्थल पहुंचे, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सर 3 बजे एक्सीडेंट हुआ है। कैसे एक्सीडेंट हुआ? मोटरसाइकिल से। 3 बजे सर, 3 बजे सर हमको मुआवजा जल्दी चाहिए। मोटरसाइकिल से धक्का लगा जी? कहाँ धक्का लगा? यहीं पर लगा। मृतक का नाम? हाँ, मृतक का नाम? मृतक का नाम सनमती देवी। नाम सनमती देवी? सनमती देवी। आपका लगता है? आपका परिचय? हमारा परिचय चंदन रहा। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां शराबबंदी कानून तो लागू है लेकिन अवैध शराब से जुड़े लोग खरीद बिक्री और मिलावटी शराब बनाने को लेकर तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं। तो वहीं इधर पुलिस प्रशासन बंदी कानून मजबूत करने के लिए भी अलग अलग हथकंडे अपनाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि शहर के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र स्थित बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पुलिस गश्ती करेगी ताकि शराबबंदी कानून को सफल बनाया जाए और इस गश्ती से शराब से जुड़े लोगों पर नकेल कसा जा सके। मद्य निषेध विभाग के द्वारा सिकंदरपुर ओपी के लिए, चूँकि नदी किनारे सिकंदरपुर ओपी है, इसलिए उसके लिए अवैध दारू शराब के कारोबारियों के विरुद्ध नकेल कसने के लिए बोट और सिपाही की व्यवस्था की गई है, जो प्रतिदिन इससे छापामारी की जाएगी। खबर पश्चिम चंपारण बगहा के रामनगर से है, जहां रामनगर थाना क्षेत्र के सोहसा फुलवरिया गांव में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया और छठे दिन इस कथा में अयोध्या से विद्वानों की टोली पहुंची। गांव के ग्रामीण कथा का भरपूर आनंद ले रहे हैं। बता दें कि इस कथा का आयोजन गोपालदास बाबा महाराज व इंद्रदेव महाराज के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आज जो है छठा दिन है हमारे यहाँ महाभागवत का आयोजन होते हुए, यहाँ जो है समझ लीजिए कि पूरा अयोध्या, अयोध्या का पूरा कुंभ जो है उतरा हुआ है, क्योंकि अयोध्या से 500 साधु संत और महान सब पधारे हुए हैं। दूर दूर से संत महान पधारे हैं। बड़ी धूमधाम से इस जगह का आयोजन चल रहा है और सकुशल संपन्न हो रहा है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत अधिक संख्या में आकर के भागवत कथा और रामचरितमानस का आनंद लेते हैं। आज जो है, आज रुक्मणी जी का विवाह, भगवान कृष्ण का विवाह होगा। आप सभी आ रहे हैं। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज के टीपी वर्मा महाविद्यालय के बीएड विभाग में छात्रों ने तालाबंदी कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस दौरान छात्रों ने कहा कि मनमानी फीस लेकर बीएड में नामांकन किया जा रहा है। बीएड संकाय के जो 2022-23 का नामांकन है स्पोर्ट में, उसमें 13 सीट खाली है, नामांकन करना है, लेकिन 121 आवेदन पड़ा है। उसमें कॉलेज के स्टाफ और कॉलेज के प्रिंसिपल की मिलीभगत से पैसे लेके और सीटों का बंदरबाट अपने में बंटवारा कर लिया गया। जो जेन्युइन छात्र है उनको अभी तक उनका एडमिशन नहीं हुआ, उनको भटकाया जा रहा है और पता करने पर ना प्रिंसिपल यहाँ पे उपस्थित है ना बीएड विभाग के कोई यहाँ पे हाजिर है, इसीलिए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन तालाबंदी किया है। क्यों किया? महाविद्यालय में बीएड के नामांकन में अवैध नामांकन किया गया है, मेरिट वाले छात्रों को छोड़ दिया गया है और इस कॉलेज के कर्मचारी और कुछ स्टाफ जो कॉलेज के हैं और बीएड विभाग के हैं, उनके द्वारा पैसा ले लेकर एडमिशन किया गया है और मेरिट वाले बच्चों को छोड़ दिया गया है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आज तालाबंदी किया और धरना दिया है। जब तक प्रचार हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, तालाबंद जारी रहेगा। खबर पटना से है, जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने एमएचसीएच के अधीक्षक पर काम की लापरवाही को लेकर कार्रवाई के बाद अब एनएमएचसीएच के निलंबित मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने इस एक्शन पर कड़ी आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिना कारण बताओ नोटिस का ये एक्शन लिया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिहार सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं कोर्ट का सहारा लूंगा। सरकारी कर्मचारी पर कोई भी अगर अनुशासनक कार्रवाई आप करते हैं तो उसके लिए उसे स्पष्टीकरण पूछना आवश्यक है कि किस परिस्थिति में आपने जो भी कमियां पाई वो थी। आपके एसोसिएशन के द्वारा सर इस पर बैठक हो रही है सर? ये तो मैं अब जरूर गया।
संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ में ही शक्ति है। अगर एक व्यक्ति की बात अगर कोई नहीं सुनती है, कोई सरकार या कोई संस्था, तो अपने संघ के माध्यम से जाना चाहिए। खबर भागलपुर से, जहां एक प्रेमी ने जबरदस्ती प्रेमिका के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना के बाद पीड़िता ने बताया कि घर के सभी लोग डॉक्टर के यहां गए थे, घर में मैं अकेली थी। मौका देखते ही युवक ने मेरे साथ गलत काम किया। बता दें, परिजन आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंचे तो वो मामला दर्ज नहीं किया गया और वहां से महिला थाना भेजा गया, जहां पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। मेरे साथ में मिथुन कुमार बलात्कार किया, और मिथुन कुमार जैसे मेरे बोले तो मेरा मुंह चाप करके गेट नहीं खोलने दिया, वो दीवार तड़प के भाग गया। ये रात में जमाना है, ये घर था, ये सब रात में घटना के नाम ओले संगता पता लेके हमारा फोन कर लेते कि मम्मी हमारा घर घुसी गलो, मिथुन कुमार शंभु यादव का बेटा, 10:30 बजे रात में जोर जबरदस्ती एक साथ बलात्कारी कर लगे। जब हम सब बोला लगे हमारा जयदा समझो रात का एकदम दबाल तड़पी के एकदम भागी लेकर मुँह दाबी दिल की कसी का। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से, जहां भैरोगंज पंचायत के मुखिया ने बताया कि मैंने जनता का भरोसा दिलाया था, मैंने अपने पंचायत को विकास के धरातल पर लाने का कार्य किया है और जनता ने मुद्दों को चुना तो पंचायत भवन का काम कराया। अब हमारे पंचायत के जनता को किसी प्रकार की ऑनलाइन सुविधा इसी पंचायत सरकार भवन में ही मिलेगा और अब किसी को बगहा अनुमंडल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ की जो जनता है उनको मांग था कि अपने यहाँ पंचायत भवन का सुविधा दिया जाए, जिसमें ब्लॉक स्तर के जो भी काम होता है हमारे पंचायत से हो सके। हमने सरकार से DDC से मांग भी किया था, एक सहायता के अलग से हमने राशि के रूप में मांग किया था कि हमारे सरकार पंचायत भवन है लेकिन जर्जर स्थिति में है, लेकिन वहाँ भी हमने लेटर दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे यहाँ के जनता की परेशानी को देखते हुए कोई भी काम है तो उन लोगों को ब्लॉक के चक्कर काटना पड़ता है। हमारे यहाँ के जनता गरीब है, बेबस है, आने जाने में उन लोगों को मजदूरी छोड़ के जाती है। हमने अपने पॉकेट के दम पर पंचायत सरकार भवन को हमने खड़ा किया है, अभी आए तो गवर्नमेंट से कोई भी हमें फंडिंग उसके तहत प्राप्त नहीं हुआ है। खबर लखीसराय से, जहां जिले के रेलवे की जमीन को कब्जे में लेकर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले लोगों को महंगा पड़ गया और IOW के अधिकारी ने एक्शन लेते हुए सबको हटा दिया। बताते पहले भी कई बार सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया था, लेकिन लोग अनदेखा कर वापस सरकारी जमीन को कब्जे में लेकर झुग्गी झोपड़ी बना लिया था। खबर मोतिहारी से, जहां गंडक नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए, जिनको घायलों की मदद से नदी से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, ये सारा मामला मल्लाही थाना के हाई स्कूल के सामने गंडक नदी का है। खबर भागलपुर से है, जहां मालदा डिवीजन के नवनियुक्त DRM ने भागलपुर जंक्शन का निरीक्षण किया और उन्होंने निरीक्षण के दौरान संतुष्ट दिखे। वह इस दौरान उन्होंने कई यात्रियों से भी सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर बातचीत की तो यात्रियों ने भी संतोषजनक जवाब दिया, जिसके बाद DRM ने कई कहा कि अगर आगे भी कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उनमें सुधार लाया जाए और मामले में उचित कार्यवाही भी की जाए। संरक्षा जो है प्रायोरिटी नंबर 1 है, क्योंकि कोई भी अनसेफ प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए रेलवे के वर्क में, नंबर 1। नंबर 2, जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सुविधाएं हम लोग यात्रियों के लिए दे रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी पे ध्यान रहेगा, क्योंकि बड़े काम काफ़ी किए गए हैं। भागलपुर स्टेशन पे एस्केलेटर लगा है, सर्कुलेटिंग एरिया में इम्प्रूवमेंट हुआ है, दूसरे तरफ बुकिंग काउंटर्स बने हैं। खबर जमुई से, जहां जमुई वेलहम स्कूल के निर्देशक चंद्र किशोर कुमार के प्रयास से टैलेंट टेस्ट परीक्षा का आयोजन 16 अक्टूबर को किया गया है और इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी छात्रवृत्ति को प्राप्त करेंगे, जिसमें मेधावी पर गरीब विद्यार्थियों की आशा की किरण प्रदान करेगा और क्षेत्र के विद्यार्थियों में एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरेगा। ऐसा आयोजन आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए उपहार स्वरूप होगा। हमारे यहाँ एक LL एग्जामिनेशन हो रहा है, एक्चुअली ये LL टैलेंट टेस्ट के नाम से एग्जाम है और ये एग्जाम जो है एक तरह का स्कॉलरशिप एग्जाम है और ये इससे पहले झाझा जैसे जगहों पर नहीं हुआ था और ऐसे ऐसे एग्जाम देने के बाद बच्चों में जो है बहुत अच्छी क्वालिटी बिल्ड होती है।
क्योंकि यही एग्जाम दे करके वो आगे में जाकर जितने भी एग्जाम देते हैं उससे मतलब यही एग्जाम से वो काफी नॉलेजेबल हो जाते हैं, किस ढंग से एग्जाम देना है, किस ढंग से करना है। इसके अलावा स्कॉलरशिप का जो तो बेनिफिट है, या फिर कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप में जो उनको प्राइजेस हो गया, इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर वो अच्छा मार्क्स लाते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, उनकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा छूट मिलने वाली है, क्योंकि एलएन 80-90% अपने क्लासरूम में छूट देता है। पटना में भाजपा नेता व पूर्व मंत्री भीम सिंह ने ललन सिंह के पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान को लेकर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, बिहार के अति पिछड़ी जातियों के ऊपर विपत्ति आई है, पर इनकी दिक्कतों को दूर करने की जगह सरकार बयानबाजी में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि जिस प्रधानमंत्री का नाम लेकर ललन सिंह ने वोट लिया था, उनको ही ललन सिंह उल्टा सीधा बोले हैं। ललन सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बिहार सरकार जनता के नजरों में खलनायक बन चुकी है। सरकार ने जानबूझकर विलंब किया और इतना विलंब किया कि जून से आगे तक का डेट चला गया, और अभी जब चुनाव होता भी तो ये अक्टूबर में होता। इतना विलंब क्यों किया? इसके पीछे हमारा कहना है कि ये साजिश था। इतना विलंब कर दो कि विलंब के कारण भी विवादास्पद हो जाए। खबर जमुई से है, जहाँ जमुई वेलहम स्कूल के निदेशक चंद्रकिशोर कुमार के प्रयास से टैलेंट टेस्ट परीक्षा का और इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी छात्रवृत्ति को प्राप्त करेंगे, जिसे मेधावी पर गरीब विद्यार्थियों की आशा की किरण प्रदान करेगा और क्षेत्र के विद्यार्थियों में एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरेगा। ऐसा आयोजन आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए उपहार स्वरूप होगा। हमारे यहाँ एक एलएन एग्जामिनेशन हो रहा है, एक्चुअली ये एलएन टैलेंट टेस्ट के नाम से एग्जाम है, और ये एग्जाम जो है एक तरह का स्कॉलरशिप एग्जाम है, और ये इससे पहले झाझा जैसे जगहों पर नहीं हुआ था। और ऐसे ऐसे एग्जाम देने के बाद बच्चों में जो है बहुत अच्छी क्वालिटी बिल्ड होती है, क्योंकि यही एग्जाम दे करके वो आगे में जाकर जितने भी एग्जाम देते हैं उससे मतलब यही एग्जाम से वो काफ़ी नॉलेजेबल हो जाते हैं, किस ढंग से एग्जाम देना है, किस ढंग से करना है। इसके अलावा स्कॉलरशिप का जो तो बेनिफिट है, या फिर कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप में जो उनको प्राइजेस हो गया, इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर वो अच्छा मार्क्स लाते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा छूट मिलने वाली है, क्योंकि एलएन 80-90% अपने क्लासरूम में छूट देता है। फिलहाल के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।